नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अगस्त बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के खमूडवाली थाना क्षेत्र में नहर के पुल पर बैठकर शराब पी रहे 3 जनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 2 जनों ने मिलकर अपने साथी युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। समाचार लिखे जाने तक पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि गोलूवाला निवासी रामकुमार जाट ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसका भांजा श्यामलाल खमूडवाली में रहता था और वहीं पर मजदूरी का कार्य करता था। रात को श्यामलाल को गांव के ही कृष्णलाल नायक और सुभाष नायक घर से बुलाकर ले गए। वहां इन्होंने श्यामलाल के साथ बुरी तरह मारपीट की, इससे उसकी मौत हो गई और शव को गंगा नहर में फेंक दिया। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में फाइनेंसर से परेशान होकर भाजपा नेता पुत्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने फाइनेंसर को हिरासत में ले लिया है। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग पदमपुर के सरकारी अस्पताल के समक्ष धरना लगाए बैठे हैं। इनके समर्थन में बाजार के सभी व्यापारी संगठन के लोग आ गए हैं। उन्होंने भी आज बाजार बंद रखकर धरने को समर्थन दिया है। पुलिस ने बताया कि दीपक खुराना नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसका शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हुआ है। मृतक के पिता आशीष खुराना निवासी पदमपुर ने फाइनेंस इंदर आहूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आशीष खुराना का आरोप है कि इंदर आहूजा ने उसके पुत्र दीपक को रुपये को लेकर तंग और परेशान किया है, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली है। डीएसपी ने बताया कि फाइनेंसर इंदर आहूजा को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। हनुमानगढ़ जिले के खुइया सरवर थाना क्षेत्र में एक बैंक शाखा के मैनेजर पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 3 किसानों ने हनुमानगढ़ जिले के खुइया थाना में मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए हड़प लेने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि खुइया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव निवासी माइला नगर, बिरबल राम और चंदूराम ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उन्होंने केसीसी जमा करवाने के लिए शाखा प्रबंधक अमित कुमार को पैसे दिए थे, उन्होंने राशि को जमा नहीं करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी से रायसिंह नगर कस्बे में कोचिंग के लिए आई एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। इसका कहीं भी पता नहीं चला है। लड़की के भाई ने थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। इसके अलावा रामसिंहपुर कस्बे से ही एक युवती अपने परिजनों को चकमा देकर रात्रि को गायब हो गई है। पुलिस ने बताया कि एक युवक ने दर्ज करवाई गुमशुदगी में बताया है कि उसकी बहन रायसिंह नगर में कोचिंग जाने का कहकर घर से गई थी, वह घर नहीं लौटी। इसी तरह रामसिंहपुर निवासी व्यक्ति ने गुमशुदगी दर्ज करवाई है कि उसकी पत्नी किसी कार्य के लिए रायसिंह नगर गई थी, उसके बाद से वह वापस नहीं आई। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में नोट दोगुने करने वाली मशीन दिलाने के नाम पर 2-3 व्यक्तियों ने मिलकर करीब 4 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित व्यक्ति ने इनके खिलाफ पुरानी आबादी थाना में धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि मोहित कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मिंदा सिंह, सुखा सिंह और कुलविंदर सिंह ने मिलकर उससे करीब 4 लाख रुपए हड़प लिए हैं। उसका आरोप है कि इन्होंने उसको नोट दोगुना करने की मशीन दिलाने का झांसा दिया था, जिसके बाद अलग अलग किश्तों में 4 लाख रुपए ले लिए। उन्होंने दिए हुए रुपए वापस देने से इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में भाई द्वारा भाई पर चाकू से हमला कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। परिजनों ने हमले में घायल मंगल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मामूली कहासुनी में भाई ने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम को ट्रक चालक ने कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से भाग रहे ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़ा तथा पिटाई कर दी। हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने बताया कि सेवाड़ी निवासी 2 वर्षीय बालक चिराग अपने घर के बाहर स्कूल के आगे खेल रहा था। इसी दौरान तेज गति से आए ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मासूम का शव परिजनों को सौंप दिया। नागौर जिले के कुचामन थाना क्षेत्र के नावा कुचामन मेगा हाईवे पर मीठड़ी में अंग्रेजी शराब की दुकान पर लाखों की लूट होने की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार आधा दर्जन बदमाशों ने बंदूक के दम पर 5 से 6 लाख रुपए की शराब लूट कर ले गए, साथ ही आरोपी 1.5 लाख की नकदी भी ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सभी बॉर्डर पर नाकाबंदी करवाई है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट में शशि थरूर को इस मामले में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में थरूर के आरोपी होने से इनकार कर दिया। दरअसल सुनंदा पुष्कर की मौत का मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दिग्गज कांग्रेस नेता और केरल के सांसद शशि थरूर पर वैवाहिक क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत आरोप लगाए थे। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। पाली जिले में आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने के करीब 10 वर्ष पुराने मामले की अपर जिला सेशन न्यायाधीश बाली सीमा मेवाड़ा ने सुनवाई की। अपर लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त 2011 को नाना थाने में परिवादी मूला ने रिपोर्ट दी कि वह अपने मकान के बाहर बैठा था। इसी दौरान सोमा लासा आए तथा उसे जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर मोती ने कुन्हाड़ी से वार कर उसे गंभीर घायल कर दिया। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। बाद में जमानत हो गई। करीब 10 वर्ष पुराने इस मामले में जिला सेशन न्यायाधीश बाली सीमा मेवाड़ा ने आरोपी मोती निवासी पाली को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 5 साल का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.